एक दिन मंथरक नाम के जुलाहे के सारे उपकरण जो कपड़ा बुनने के काम आते थे टूट गए। उपकरणों को फिर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी लेकर वह नदी के तट पर स्थित वन की ओर चल दिया। नदी के किनारे पहुंचकर उसने एक वृक्ष देखा और सोचा कि इसकी लकड़ी से उसके सारे उपकरण बन जाएंगे। ये सोचकर वृक्ष के तने में वो कुल्हाड़ी मारने को ही था कि वृक्ष देव प्रकट हुए। मैं इस वृक्ष पर आनंद से रहता हूँ और मैं नदी की शीतल हवा का आनंद लेता हूँ। तुम्हें इस वृक्ष को काटना उचित नहीं है। दूसरे के सुख को छीनने वाला कभी सुखी नहीं होता। मैं भी लाचार हूँ। लकड़ी के बिना मेरे उपकरण नहीं बनेंगे, कपड़ा नहीं बुना जाएगा, जिससे मेरे कुटुंबी भूखे मर जाएंगे। इसलिए अच्छा यही है कि आप किसी और वृक्ष का आश्रय लें। मैं इस वृक्ष की शाखाएं काटने को विवश हूँ। मंथरक, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी एक वर मांग लो, मैं उसे पूरा करूंगा। केवल इस वृक्ष को मत काटो। यदि यही बात है तो मुझे कुछ देर का अवकाश दीजिए। मैं अभी घर जाकर अपनी पत्नी से और मित्र से सलाह करके आपसे वर मांगूंगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। गांव में पहुंचने के बाद मंथरक की भेंट अपने एक मित्र नाई से हो गई। उसने सोचा क्यों ना नाई से सलाह ली जाए। अतः उसने उससे पूछा, मित्र, मुझे एक देव वरदान दे रहा है। मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि कौन सा वरदान मांगा जाए। यदि ऐसा है तो राज्य मांग ले, मैं तेरा मंत्री बन जाऊंगा, हम सुख से रहेंगे। मैं अपनी पत्नी से भी सलाह लेना चाहता हूँ। स्त्रियों के साथ ऐसी मंत्रणा करना नीति विरुद्ध है। स्त्रियां प्रायः स्वार्थ परायणा होती हैं। अपने सुख साधन के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी सूझ नहीं सकता। अपने पुत्र को भी जब वो प्यार करती हैं, तो भविष्य में उसके साथ सुख की कामनाओं से ही करती हैं। मैं फिर भी अपनी पत्नी से सलाह लूंगा। जुलाहा अपने घर पहुंचा और बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी से उसने पूछा, आज मुझे एक देव मिले, वो एक वरदान देने को उद्यत है। नाई की सलाह है कि राज्य मांग लिया जाए। तू बता कि कौन सी चीज मांगी जाए। राज्य शासन का काम बहुत मुश्किल है। राजमुकुट प्रायः कांटों का ताज होता है। ऐसे राज्य का क्या मतलब जो सुख ना दे। प्रिय, तुम्हारी बात सच है। राजा राम को और राजा नल को भी राज्य प्राप्ति के बाद कोई सुख नहीं मिला था। हमें भी कैसे मिल सकता है। किंतु प्रश्न ये है कि राज्य न मांगा जाए तो क्या मांगा जाए। तुम अकेले दो हाथों से जितना कपड़ा बुनते हो उससे भी हमारा खर्च पूरा हो जाता है। यदि तुम्हारे हाथ दो की जगह चार हो और सिर भी एक की जगह दो हो तो कितना अच्छा होगा। तब हमारे पास आज की अपेक्षा दुगना कपड़ा हो जाएगा और समाज में हमारा मान भी बढ़ेगा। जुलाहे को पत्नी की बात जच गई और वो नदी तट पर जाकर देव से बोला, यदि आप वर देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि मैं चार हाथ और दो सिर वाला हो जाऊं। तथा जुलाहे के कहने के साथ ही उसका मनोरथ पूरा हो गया। उसके दो सिर और चार हाथ हो गए। किंतु इस बदली हालात में जब वो गांव में आया तो लोगों ने उसे राक्षस समझ लिया और राक्षस राक्षस कहकर सब उस पर टूट पड़े।
खुद के ज्ञान पर भरोसा करो। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आप हमारे वीडियोस पर अपना कमेंट जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्र